Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Parliament procedures के अंदर अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए Parliament की department related standing committees बनती हैं. एक सदस्य होने के नाते information technology की जो standing committee है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि किसी भी संस्था और उसका कोई भी witness को बुलाया जाए. आपत्ति हमें इस बात की है कि अभी जो चेयरमैन साहब हैं आईटी कमेटी के वो कमेटी से चर्चा करने से पहले वो मीडिया से चर्चा करते हैं uh, कमिटी के मेंबर्स को ये पता लगने से पहले कि किसको समन करना है या किसको नहीं करना वो मीडिया से चर्चा करते हैं ये उल्लंघन है कानून का भी और मर्यादा का भी और इस बात के लिए मैंने लोकसभा के स्पीकर साहब को एक पत्र लिखा है उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कि ये परंपरा का उल्लंघन है यह मर्यादा का उल्लंघन है और ये कानून का उल्लंघन है रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ ऑफ लोकसभा क्लियरली स्टेट दैट फर्स्ट इट नीड्स टू बी डिस्कस विद इन द कमिटी विद द सैंक्शन ऑफ द कमिटी द स्पीकर विल गिव परमिशन फॉर द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन और पर्सन टू बी कॉल्ड एज विटनेसिस बड़ा क्लियर है स्पष्ट है uh, औ, और मुझे लगता है ये जो बार बार अखबार में आ रहा है उसका uh, यही एक सीधा सच्चा जवाब है हम आईटी कमेटी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपना जो जो काम है उसको सुचारू रूप से करते रहेंगे और जिस भी संस्था को बुलाना चाहेंगे जो कमेटी डिसाइड करेगी हम बुलाएंगे और उनसे उन उनका विटनेस लेंगे वहाँ पर उनका जो जो भी उनकी बात है उस लेंगे और उसके बाद उस पर निर्णय करेंगे लेकिन सही तरीका अपनाना चाहिए रूल्स एंड प्रोसीजर और लोकसभा को फॉलो करना चाहिए सबसे पहले चर्चा लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ होनी चाहिए और उसी के बाद में अगर चेयरमैन चाहते हैं तो वो आ, मीडिया को बात बताई जा सकती है